अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं प्याज टमाटर हरी मिर्चों वाले अंडे, और उसके साथ मैंने चाय और रोटी। ये था हमारा आज का नाश्ता। बस मैं ये जो है ना बना रही थी जल्दी जल्दी, ताकि नाश्ता करके फिर उसके बाद ना मैं आहिस्ता आहिस्ता डेली थोड़े थोड़े काम कर रही हूँ। किचन भी मैंने थोड़ा सा क्लीन करना था, और मैं बस एक साथ जो है ना वो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं दे रही, थोड़े थोड़े करके काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान से पहले हो जाएंगे। नाश्ता बन गया, नाश्ता हमने कर लिया, बड़ा मज़ा आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब जो है ना मैं यहाँ पे चूल्हा जो है ना वो सारा साफ़ करने लगी थी। अच्छा, ये मैंने सारे साफ़ करने थे, ये देखें कितना इससे साफ़ हो जाता है। मैंने सिंपल इनको कोई नहीं भिगोया, बस इस पे मैंने ये लिक्विड डाला है, और उसके बाद ये जो ब्रश होता है इससे मैं अच्छी तरह से इसको वॉश कर लूँगी, स्क्रब करती हूँ ना, तो सारे ये निशान वगैरह हट जाते हैं। और ये आप जितना भी क्लीन कर लो, ज़ाहिर है हमारी देसी कुकिंग होती है, हालांकि इतना कुछ गिरता नहीं है, लेकिन देसी कुकिंग होती है हमारी। और उसके साथ ये है कि ऑयल वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है। तो ये देखें ये बड़े साफ़ हो गए, बस इनको इस तरह से मैं सारा साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद इनको मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं स्टोव साफ़ करूँगी, तो ये मेरा सारा काम जो है ना वो हो जाएगा। कोशिश करती हूँ कि अब मैं ज़्यादातर फॉइल बिछाऊँ। अच्छा, फॉइल जो है ना वो आसमान से दूध गिर गया था थोड़ा, वो फिर मैंने सारी हटा दी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं फिर ये सारा अच्छी तरह से क्लीन करके और दोबारा फॉइल बिछा दूँगी। ये देखें जी, ये कितने माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हो गए, और देख के ना दिल खुश हो जाता है। आप जब क्लीनिंग करते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों की भी करो, तो बस देख के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, ये मैं सारा साफ़ कर लूँगी। कुछ तो स्टेन्स हैं जो कि मैंने गलत थोड़ा सा पेंट कर लिया था, कुछ इस पर पहले से थे जब मैं आई थी, और फिर मैंने कुछ गलत पेंट कर लिया था, फिर मैंने हटाया तो ये थोड़े से स्टेन्स हो गए हैं उसके। और कुछ जो है ना ये यहाँ पे जो ग्लू टाइप की होती है ना, जैसे समत बांड होती है, ग्लू होती है, तो वो इस पे लगी हुई है। वो मैं जितना भी साफ़ कर लूँ वो नहीं हटती है। इसके शीशे पे आपने देखा होगा, नीचे आपको नज़र आती होगी। लेकिन बाकी खैर, मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद जो है ना मैं इस पे फॉइल बिछा दूँगी। अच्छा, अभी मैं एक बार दोबारा डीप क्लीन करूँगी, अभी तो मैं इसको वैसे कर रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े बहुत ये जो निशान है मैं कोशिश करूँगी कि ये हट जाएँ, लेकिन अभी मैंने कहा फॉइल बिछा दूँ, ये ना फिर मज़ीद कोई इशू हो जाए। अच्छा, फॉइल के बारे में मुझे कमेंट्स पहले भी आए थे, और अभी मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एयर फ्रायर के बारे में भी आते हैं और इसके बारे में भी आते हैं कि फॉइल यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। एयर फ्रायर के बारे में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये वाली जो फॉइल है ना ये हैवी ड्यूटी वाली होती है, और ये आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए इस तरह से आप यूज़ करते हैं, ये वाली फॉइल डिफरेंट होती है। और जो फूड रैप करते हैं वो वाली फॉइल डिफरेंट होती है, तो वो वाली ना एयर फ्रायर में यूज़ होती है, ना बेकिंग में यूज़ होती है, ना चूल्हे पर यूज़ होती है। तो ये मैंने सोचा मैं बता दूं, इसके बारे में बहुत कमेंट्स आते हैं, स्टिल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा आज ये टेबल मैं थोड़ी सी साफ़ कर लेती हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पे ज़्यादातर उस्मान काम करते हैं, या उनका लैपटॉप होता है, तो मुझे भी काम करना होता है। ली तो ये मैंने अपने लिए थी, लेकिन उस्मान को काम करना था, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा सेटअप यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं अब ज़रा इस पर बैठ के अपना काम भी किया करूँगी, क्योंकि व्लॉग एडिट करती हूँ काफ़ी घंटे लग जाते हैं, और आप इस तरह ज़रा काम करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, लेकिन उस्मान कह रहे थे नहीं मेरा लैपटॉप भी टेबल पे ही रखो। तो अब देखूँगी, प्रिंटर रखा हुआ, शायद मैं इसको हटा दूँ। मैंने कहा चलो अभी तो थोड़ा अच्छा सा माहौल बनाते हैं और काम शाम करते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा हो ना फिर काम करने का मज़ा भी आता है। अच्छा, ये लाइट्स जो है ना इनके बारे में मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने अमेज़ोन से ली थी, इनका लिंक मैं दे दूँगी। ये मुझसे इंस्टाग्राम पे भी सब अक्सर पूछते हैं जब मैं कोई स्टोरी शेयर करूं, तो ये वैसे अमेज़ॉन के दराज के लिंक्स मेरे हैं, कलेक्शन का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल देती हूं, आप उसमें भी चेक कर लिया करें। अच्छा, मेरा और उस्मान का माउस जो है ना वो सेम ही था, तो मैंने नेल पॉलिश लगा दी। पहले मेरा दूसरे कलर का था, ये HP के स्टोर से ही हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, फिर मैंने दोबारा मंगवाया तो वो सेम आ गए हमारे। तो अब जो है ना मैंने कहा चलो मैं इस पे नेल पॉलिश का थोड़ा सा मार्क लगा देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस तरह से अपनी और मेरी उस्मान की जो सेम चीज़ें होती हैं ना, तो मैं फिर डिफरेंट करने के लिए इसको थोड़ा सा मार्क नेल पॉलिश का लगा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये बड़ा मज़ेदार मैंने माहौल बना लिया। उसके बाद मैंने कहा बैठ के अब एडिटिंग करूँगी, ज़रा मूड अच्छा हो, ताकि एडिटिंग भी अच्छी हो, वॉइस ओवर भी अच्छा हो, आपसे बात भी अच्छी हो सके।
तो खैर यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी और बड़ा मज़ा आया आज मैंने काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से किया। वैसे मैं जो वो दूसरी वाली टेबल है ना वो लेके बेड पे बैठ जाती हूँ या नीचे बैठ जाती हूँ, तो अब मैंने कहा चलो मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा, ठंड बहुत थी ना पिछले दिनों तो दिल नहीं चाहता था यहाँ पर बैठने का, हीटिंग जितनी भी ऑन हो फिर भी बस ऐसे होता था, तो मैंने कहा चलो अब मौसम भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर बैठ के काम इंजॉय करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, और ये मैं अक्सर रात को ऑन कर लेती हूँ टेबल लैंप्स के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और इसके मोड्स जो है ना वो भी चेंज होते हैं। तो चलें जी अब किचन में मैं आ गई हूँ और किचन में मैं अब आपको ये बताती हूँ, एक तो मैं अभी दही बनने के लिए रखूँगी, ये फुल फैट वाला मिल्क है, और आज मैं बड़े मज़े की चीज़ बनाऊँगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। मैं क्या बनाऊँगी, थोड़ी सी ना आइसक्रीम रखी हुई थी कुल्फ़े वाली, तो मैंने कहा आज मज़ेदार सा जो है ना कुल्फ़ा फलूदा टाइप का बनाते हैं, उस्मान को सरप्राइज़ देते हैं। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी एफ़र्ट्स होती हैं जो आप करते हैं तो फैमिली के दिल जीत सकते हैं, अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो फिर उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मैंने कहा चलो आज उनको छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं, उनकी पसंद का कुल्फ़ा फालूदा बनाते हैं। और मौसम तो ठंडा है, मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ वैसे कि गला ख़राब ना हो, लेकिन खैर इन्जॉय करेंगे आज इंशाल्लाह। तो ये देखें जी ये मैंने दूध ले लिया, ये तकरीबन हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये जो हाँ इलायचियाँ मैं आपको दिखा रही थी बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेश होती हैं, एस्टा वगैरह से मिल जाती हैं, तो ये भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। और दूध मैंने ना हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, और ये जो ग्रीन ग्रीन इलायचियाँ होती हैं ना इनकी जो खुशबू होती है बड़े मज़े की होती है, टेस्ट पे इनका बहुत अच्छा होता है, तो ये अभी मैंने रिफ़िल कर ली, अभी मैं इंशाल्लाह और भी लेकर आऊँगी। और ये देखें जी ये इस तरह मैं आज फ्रेश कूट के डालूंगी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वैसे पीस के आप ग्राइंडर में पीस के भी रख सकते हैं लेकिन फ्रेश कूटी हुई का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा ये मैंने अभी मंगवाया था, इसका दराज का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कोशिश करती हूँ सारे लिंक्स दे दूँ। ये हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, मैंने ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए मंगवाया था और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है, मैं इसको डेली या रेगुलर यूज़ करती हूँ, काफ़ी अभी तक तो अच्छा जा रहा है। मैंने इसमें चटनियाँ वगैरह नहीं बनानी थी, बस छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैंने मंगवाया था। साथ साथ मैं थोड़ी सी रीफिलिंग भी कर रही थी कंटेनर्स वगैरह भी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए अब शॉपिंग करूँगी अभी माह रमज़ान की, तो मैंने कहा चलो देख लूँ, बस ये भी अब मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि चने तो मेरे घर माशाल्लाह से काफ़ी बनते हैं, इफ्तार में भी बनते हैं और रेगुलर वैसे भी बनते हैं मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा, हम दोनों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये इससे ये होता है ना आप काफ़ी घंटों तक फुल भी रहते हो, टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि मैं बेकिंग सोडा डाल के भिगो देती हूँ थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के, फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको वॉश करती हूँ, रात में ही अक्सर भिगोती हूँ, सुबह में बना लेती हूँ, सुबह भिगोऊँ तो रात में बना लेती हूँ, लेकिन इसको वॉश मैं फिर अच्छी तरह से करके फिर दोबारा मैं इस तरह से बनाती हूँ नमक और बेकिंग सोडा डाल के। और साथ साथ मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी। अच्छा जो मैंने दूध हल्की आंच पे रखा था ना उसको मैं रबड़ी की तरह बना लूँगी, जैसे वो रसमलाई वाला दूध बनता है ना उस तरह बनाऊँगी मैं। और उसका ये होता है कि मैं इसको बस साथ साथ हिला रही थी, और ये फुल फैट वाला मिल्क है तो इस पर बड़े मज़े का थिक सा क्रीम भी इसमें अंदर होती है, और बड़ा थिक सा रिच सा टेस्ट आता है इसका, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा साथ साथ मैं आज बना रही हूँ कीमा, मैं देख रही थी बस फ्रीज़र में क्या क्या रखा हुआ है तो इनको भी मैं ज़रा बना लूँ। और मैंने इसमें डाले हैं आलू मटर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कीमे के साथ, और उस्मान को भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो आज ये इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही थी और सारे काम जो है ना वो साथ साथ में कर रही थी, उस्मान बैठे थे वो अपना काम कर रहे थे अभी रूम में, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो ये सारे काम कर लूँ, और बाकी भी छोटे छोटे काम लगे होते हैं अक्सर, तो बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती हूँ या किचन इतना है ना तो कैमरा मैं फिर ऑन नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं काम जल्दी जल्दी कर लूँ। अच्छा दही जो है ना ये भी मैं फुल फैट वाले मिल्क के साथ बना रही हूँ, मैंने कहा बस आज मैं ये ख़त्म कर दूँ, तो ये देखें इस तरह से मैं उछाल उछाल के डालती हूँ ना, बड़े मज़े का दही बनता है। अच्छा हाँ इसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे सारे, ये मैंने शीन से लिया था, अभी शीन पे आउट ऑफ स्टॉक है दराज से, जो पाकिस्तान से मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं आप देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जब लिया था तो उसका आउट ऑफ स्टॉक था, यूके से मुझसे जब बहनें पूछती हैं तो अभी फ़िलहाल ये नहीं आया स्टॉक में, दराज का लिंक शेयर कर दूँगी, आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा ये देखें ये कितना मज़े का थिक सा हो गया, और जब ये ऑलमोस्ट बन गया था कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अच्छा चीनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए ऐड की है क्योंकि ये ठंडा करके सर्व करना है मैंने, गरम तो फिर भी आपको ठीक लगता है,
लेकिन जो डिज़र्ट्स वगैरह आप ठंडी बनाते हैं या ठंडी सर्व करते हैं उसमें फिर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो ना अच्छी लगती है। चीनी को मैंने थोड़ा सा पका लिया था ताकि इसका टेस्ट भी आ जाए और घुल जाए। वैसे तो इतनी बारीक होती है, जैसे हमारा पाकिस्तान में नमक मिलता है ना वैसे यहाँ पे चीनी मिलती है, तो इतना टाइम नहीं लेती है। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी, ये देखें नूडल्स, मैं बेसिकली ये लेकर आई थी। मैंने आज एक मिस्टेक किया कि वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मैंने सोचा इसको ना मैं फालूदे की तरह यूज़ करूँगी। वैसे मैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में फालूदा ख़ुद भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसको मैं ज़रा चेक करना चाह रही थी। तो मैंने ये थोड़ी सी बॉयल कर ली है। अच्छा, मुझसे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने ना इसका पानी गिरा के इसको छलनी में रख लिया था, स्ट्रेनर जो होता है उसमें रख लिया था। तो अगर आप इसको पानी में डिप करके रखें, ये मुझे बाद में उस्मान ने फिर मशवरा दिया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा नेक्स्ट टाइम बनाना तो पानी में थोड़ा इसको डिप करके रखना जैसे शॉप वाले करते हैं, तो उससे फिर बिल्कुल वैसे ही इसका टेक्सचर आएगा। अच्छा जी, खैर खाना भी साथ साथ बन गया है और खाना हमने पहले खाया था उसके बाद फिर हमने जो है ना ये खाया था, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना आपके मुँह में पानी आ जाएगा। और आज माशाल्लाह से उस्मान इतने खुश हुए ना, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बनाया और घर में कैसे बनाया, क्योंकि अक्सर हम बाहर जाते हैं ना तो उनका यही होता है। पाकिस्तान में तो स्पेशली मेरी पूरी फैमिली भी और मेरा ससुराल, मतलब सब जो है ना बहुत शौक से कुल्फ़ा फालूदा खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज उस्मान को खुश करते हैं। तो आज वो माशाल्लाह से काफ़ी खुश हो रहे थे कि घर में जो है ना इतना अच्छा बन गया। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अब ज़रा एक दो एक्सपेरिमेंट मैं और भी करूँगी तो और भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये देखें जी, खाना भी बन गया। खाना बस मैं अभी डाल रही थी प्लेट में, खाना खा के ना फिर मैंने कहा हम खाने के बाद एंजॉय करेंगे, ज़रा इतने तक ठंडा भी हो जाएगा। और दूध जो मैंने पकाया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी आइसक्रीम, और ये यहाँ पे इजीली मिल जाती है, हमने ली थी एस्टा से। मेरे पास वैसे जो है ना चम्मच से मैं डाल रही हूँ, मेरे पास इसका आइसक्रीम स्कूप वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए आप इसी पे अभी गुजारा करें। आपके पास भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी इसको भी हमने जो है ना वो कुल्फ़ा फालूदा टाइप का बनाना है तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़े से सिंपल फूड को भी ज़रा फैंसी कर लेते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली फैंसी बन जाता है। अच्छा ये देखें, इसमें मैंने ये डाल दिया। अब उसके बाद मैंने जो दूध अच्छी तरह से पका के फ्रिज में रखा था तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा ये दूध आप देखें, ये मैंने आपको बताया था ना फुल फैट वाला है, क्रीम के साथ होता है, फुल क्रीम वाला मिल्क होता है, तो ये देखें कितनी ज़्यादा इस पर क्रीम सी आ रही है और खोए की तरह ये बन गया है। तो इसी से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पाकिस्तान में अगर आप बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो गाढ़ा वाला दूध होता है वो क्रीम ऊपर आ जाती है। यहाँ पे दो तीन टाइप्स के दूध मिलते हैं ना, तो वैसे चाय वगैरह के लिए मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, मीठे बनाने के लिए मैं अक्सर ये लेती हूँ या कभी दही इसमें बना लेती हूँ तो मैं लेकर आती हूँ। तो ये देखें मैंने ये इसमें डाल दिया है, ठंडा करके चिल करके डाले ना और भी मज़ा आएगा। अच्छा उसके बाद आपके पास कोई भी जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर जाम शीरी लेकर आती हूँ, बल्कि वही लेकर आती हूँ, मुझे ज़्यादातर जाम शीरी अच्छा लगता है, चाहे माह रमज़ान हो चाहे डेली रूटीन में हो, कुछ मीठा बनाना हो मुझे ये ही अच्छा लगता है। और मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं जो नूडल्स हैं इनके साथ और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अच्छा ये देखें रेडी हो गया है, ये मैंने एक्चुअली पानी इससे निकाल लिया था तो थोड़ी सी ये साइज़ में ज़रा छोटी हो गई, लेकिन यह है कि टेस्ट बहुत कमाल का था। और उस्मान का बाउल मैंने रेडी कर लिया, अब ये है जी मेरा बाउल, मैंने कहा आज एंजॉय करो, खूब दिल को खुश करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।